रशिया के अरब देशों में जो संबंध है काफी अच्छे हैं, और अभी हाल ही में रशिया ने एक मिडिल ईस्ट का टूर किया है, जिसमें मिडिल ईस्ट की जो दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई, उन्हें खुले खुले दिल से उनका वहां स्वागत हुआ है। तो बहुत सारे मैसेजेस गए हैं इस बात से कि रशिया जो है उसमें पोटेंशियल है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में एक रोल प्ले करने का, और रशिया किसी भी मापदंड से आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में वो आइसोलेटेड है आज की तारीख में। पुतिन लंबे युद्ध को छोटे प्रहार से ज्यादा असरदार मानते हैं, यही वजह है कि वो एक के बाद एक नए मोर्चे खोलते जा रहे हैं, नए दोस्त और नए गुट बना रहे हैं। वो वैगनर जैसे प्रॉक्सी का सहारा लेते हैं, साथ ही हमास और हिजबुल्ला प्रॉक्सी को भी मदद करते हैं। रूस यूक्रेन की जमीन पर ना पूरी तरह कब्जा कर रहा है और ना ही हमले छोड़ रहा है। पुतिन की पूरी कोशिश है कि कई मोर्चों को खोल कर रखा जाए ताकि विरोधी थक जाए। दबाव तो आया ही है, आर्थिक परेशानी तो हुई हुई है, तो इनके चलते निश्चित वो सब थक तो पिछले 2 साल से रहे हैं, लेकिन अब युद्ध वो लंबा खींच रहा है और कभी कभी उसमें तेजी ला देता है। तेजी ला देने से होता यह क्या है कि अब सारे जितने कैलकुलेशन है उसको वो इसको रैटल करना कहते हैं, उसको वो प्रभावित कर देता है। तो इस तरह की बातें हम देख रहे हैं कि ला रहा है, और पुतिन अपनी एक लंबी रणनीति के अनुसार चल रहा है। जानता है कि उसके पास एक आर्थिक चाहे टेक्नोलॉजिकल बाकी सब उसका एक एक बेस है, और उस बेस से वह युद्ध को लंबे समय तक खींच सकता है। जिन नए रिश्तों में पुतिन सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं वो है मिडिल ईस्ट के देश, खासतौर पर सऊदी अरब और यूएई। पुतिन इन दोनों अरबी देशों के दौरे पर गए। ये दोनों मुल्क अरब के सबसे धनी और ताकतवर मुल्क हैं। साथ ही इन दोनों देशों में 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में इसराइल के खिलाफ भी एक माहौल बना है, जिसमें ईरान और अरब देश जैसे पुराने विरोधी भी साथ आते दिख रहे हैं। पुतिन के इस दौरे के ठीक बाद ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी रूस का दौरा किया और पुतिन ने उनसे मुलाकात की। इस समय जो हालात हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पे ईरान और रशिया का नज़दीक आना किसी हद तक स्वाभाविक है, और दोनों के ही जो इंटरेस्ट है खासतौर से मिडिल ईस्ट को लेकर वो काफ़ी उसमें कन्वर्जेंस है। और जो फ्रॉम रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रशिया जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहना चाहेगा, और वो नहीं चाहेगा कि उसे दुनिया की नजरों में एक टोटली आइसोलेटेड कंट्री देखा जाए। रईसी से 5 घंटे की मुलाकात के बाद मॉस्को में पुतिन ने ओमान के युवराज से भी अहम मुलाकात की। एक साथ इतने मुस्लिम देशों से मुलाकात के संकेत साफ मिल रहे हैं कि पुतिन दुनिया का एक नया ध्रुव बनाने की कोशिश में है। एक बार पुतिन अरब देश और ईरान को साथ लाने में कामयाब हो गए तो मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा। जिस वक्त अमेरिका और पश्चिमी देश हमास के खिलाफ खड़े थे, पुतिन ने उस वक्त भी हमास की निंदा नहीं की, सिर्फ गहरी चिंता जताई। पुतिन सीरिया में भी आईसिस के खिलाफ बशर अल असद को सैन्य समर्थन दे चुके हैं। बिल्कुल साफ है कि अगर अमेरिका पश्चिमी देशों का गुट बना चुका है तो उसकी काट के लिए पुतिन अरब देशों को सामने रखना चाहते हैं। खाड़ी के देश, उन्होंने ये समझना शुरू कर दिया है कि जो सिचुएशन वहाँ पर ये है, अमेरिका से ज़्यादा दोस्ती आगे जो है शायद उनकी मदद नहीं कर पाए, तो वो भी अपना जो है हेजिंग कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं रिलेशंस यूएसए और रशिया के बीच में, इतना जरूर कहूँगा। लेकिन मेरे ख्याल है ये इसमें खाड़ी के जो देश हैं वो ये समझ रहे हैं कि ज़रूरी है उनके लिए। इसके अलावा पुतिन ने अमेरिका के एक और विरोधी से भी हाथ मिला लिया है, शी जिनपिंग। दोनों अमेरिका विरोध में काफी करीब आकर एक नया ध्रुव बना सकते हैं। पुतिन कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं। जाहिर है वो एशिया में भी अपना असर रखना चाहते हैं। व्लादिमीर पुतिन के लिए सब कुछ आसान भी नहीं है। अमेरिका विश्व की महाशक्ति है, उससे रूस और चीन जैसे देशों से चुनौती भले ही मिल रही हो, लेकिन फिर भी अमेरिका इतनी आसानी से पतन की तरफ नहीं बढ़ेगा।
ऐसे में पुतिन के सामने सबसे बड़ी परेशानी होगी रूस के दबाव को कायम रखना।